खोल। बंदरू एक बात बताऊं तुमसे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार चुनाव में डॉगी का एलिमेंट भी है। ये देश में पहली बार हो रहा है कि दो पार्टियों के डॉगी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो तुमको क्या लगता है कि सिर्फ बंदरों का ही राजनीति में इंटरेस्ट होता है, डॉगी का भी होता है, वो भी पॉलिटिकल हो रहे हैं। राहुल गांधी के डॉगी पीडी के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे, अब बीजेपी को सपोर्ट करने वाले डॉगी भी चुनाव का एजेंडा पेश कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल आवानो, मोदी आवानो। राहुल गांधी ने पिछले दिनों जब ट्विटर पर अपने डॉगी पीडी की तस्वीर लगाई थी तो राजनीतिक हलकों में भी उसकी चर्चा जमकर हुई थी। वैसे तो एक बार असम कांग्रेस के एक नेता ने, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे, ये कहा था कि वो जब राहुल से बात करने गए तो राहुल जी उनसे नहीं अपने डॉगी पीडी से बात करते रहे और इसी बात पे वो खफा होकर बीजेपी में चले गए। खैर, ये तो पुरानी बात है, और कोई अपने डॉगी से कितना प्यार करता है इसे हमें क्या। फिलहाल तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में बीजेपी के समर्थकों की तरफ से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे खुद बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया है। इसे देखकर साफ लगता है कि राहुल गांधी के डॉगी पीडी से मुकाबला करने के लिए है इस वाले डॉगी को उतारा गया, मतलब डॉगी बनाम डॉगी, डॉगी के टक्कर पे दूसरा डॉगी। इस वीडियो में एक डॉगी से जब पूछा जाता है कि इस बार चुनाव में कौन जीतेगा तो वो मोदी जी के नाम पे हाँ हाँ कर रहा है। देखिए, कांग्रेस आवानो, नो राहुल आवानो, देखो 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 देखो, कांग्रेस आवानो, नो राहुल आवानो, ना नो मोदी आवानो। हाँ, तेरी तरह ये डॉगी भी बड़ा चपल, चतुर और चालाक है। देखा आपने, इस डॉगी से दो बार पूछा गया, राहुल गांधी जी का नाम लेने पे ये डॉगिया चुप रहा, लेकिन मोदी जी का नाम लेने पर जोर जोर से सिर हिलाने लगा और अपने दोनों पांव भी। अब चुनाव के नतीजे आने में दो दिन बाकी हैं तो कई तरह के टोटके चलेंगे ही। अगर मान लिया जाए कि ये भी एक टोटका है तो हंसने हंसाने के लिए काफी है। अब बुरा ना मानो, चुनाव है। बाय द वे, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे डॉगी का नाम है लकी, एंड ही सेज इज वेरी लकी टू बी अ डॉगी। उसका यह भी कहना है कि वो कभी कोई झूठे वादे या भविष्यवाणी नहीं करता है, वो जब कहता मैं काटूंगा वो काट लेता है। खोल खोल। कहने को जश्न बहारा है, दिल ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा खफा है, गुलशन में छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। बाबा शेखरू, तुम गाते बहुत अच्छा हो, लेकिन तुम ये गाना क्यों गा रहे हो पुचकू? इसलिए बंदरू कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। हालांकि इस पद पर चुने जाने का ऐलान तो बहुत पहले हो गया था, आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनकी इस पद पर ताजपोशी भी होगी। कांग्रेस में जश्न बहारा है, हो भी क्यों ना, बड़े इंतजार के बाद राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष जो बने हैं। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की कमान संभाल ली। हालांकि दो दिन बाद गुजरात और हिमाचल के चुनावी परिणाम भी आने वाले हैं और इसी कारण फिजा की चिलमन में कई तरह की आशंकाएं हैं, और एग्जिट पोल ने तो पहले ही कांग्रेस की हार दिखा दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कल किसने देखा है, उसी तरह ये भी कह सकते हैं कि परसों किसने देखा है। ये परसों की बात कहां से आ गई? अरे इतना भी नहीं समझते बंदरू, गुजरात और हिमाचल के चुनावी नतीजे परसों आने वाले हैं, तब तक राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के नेताओं का जश्न तो बनता है। वैसे राहुल जी आज बड़े जोश में थे भैया, उसी जोश में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा, बीजेपी के लोग पूरे देश में आग और हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं,
और इसको रोकने के लिए पूरे देश में सिर्फ एक शक्ति है, वो है कांग्रेस पार्टी का प्यारा कार्यकर्ता और नेता। वो तोड़ते हैं हम जोड़ते हैं, वो आग लगाते हैं हम बुझाते हैं। सोनिया गांधी जी के लिए भी ये जज्बाती मौका था, राहुल जी के लिए उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। मुझे उसकी सहनशीलता और दृढ़ता पर गर्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल पार्टी के नेतृत्व सच्चे दिल, धैर्य और पूर्ण समर्थन के साथ करेंगे। खोल खोल। बहुत बहुत बधाई सोनिया जी आपको, मतलब राहुल जी को बधाई तो है ही, आपको भी ढेरों बधाइयाँ। लेकिन कई लोग कांग्रेस में वंशवाद का भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ लगा रहे हैं बंदरू, लेकिन उनके लिए सिद्धू वानी में ये जवाब भी दिया जा रहा है। खटा सिद्धू वानी बोले तो नवजोत सिंह सिद्धू की वाणी में, समझे ना गुरु। ठा दो ही परिवार ऐसे हैं जिन्होंने चार पीढ़ियां इस देश को दिया है, एक कपूर खानदान और एक गांधी परिवार। चाचा नेहरू ने देश को आजादी दी, कर्तव्य पथ पे चलते हुए इंदिरा जी ने, राजीव जी ने इस देश पे जान न्यौछावर की। सोनिया जी ने खुद पीछे रह के इस देश को एक बहुत ही महान प्रधानमंत्री दिया, एक बहुत उच्च विचारों वाला ईमानदार प्रधानमंत्री दिया। और आज राहुल गांधी जहां 60% युवा इस देश में हैं, इस यंगिस्तान वाले भारत को उनकी तमन्नाओं को उड़ान देने वाले हैं। ओ चकदे फट्टे नब्दी किल्ली रात नु जलंधर सवेरे दिल्ली, ओ सिद्धू जी धन्ने गुरु आप। आपने नेहरू परिवार और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कपूर परिवार की तुलना की, मजा ला दिया। ठोको ताली। देखा जाए तो एक तरह से आपने राहुल गांधी और रणबीर कपूर की तुलना कर दी। आपकी अदा राहुल जी को जरूर पसंद आएगी गुरु। वैसे कांग्रेस में रहना है तो ये सब तो करना ही होगा, आप तो हाल ही में कांग्रेस में आए, लेकिन मानना पड़ेगा कांग्रेसियों के तौर तरीके आपने बहुत जल्दी सीख लिए। खैर सिद्धू जी को छोड़िए, हाल ही में कांग्रेस में आए अल्पेश ठाकुर भी राहुल जी का गुणगान कर रहे हैं, ये सुनिए। और राहुल जी को पहला तोहफा मिलने जा रहा है, गुजरात के अंदर 2017 की सरकार कांग्रेस पार्टी की 104-107 से ज्यादा सीटें जीत के बनने जा रही है। कमाल है, अल्पेश जी भी हाल ही में कांग्रेस में आए, पर उन्होंने भी कांग्रेसियों के दरबार वाले तौर तरीके बहुत जल्दी सीख लिए। हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी जी के बारे में कुछ नहीं कहा क्या? अरे कहा भाई, कहा ना, क्या कहा ये सुनो। बस उनको कांग्रेचुलेशन कहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और वो तो सभी पार्टी में वंशवाद रहता ही है। अगर कोई डॉक्टर होता है तो वही यही सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वाह 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 हार्दिक भाई वाह, आप अगर कांग्रेस में गए ना तो मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि आपका भविष्य भी वहाँ बहुत अच्छा होगा। आपने वंशवाद के समर्थन में इतनी जोरदार बात जो कही है ना। मणिशंकर अय्यर जी के बारे में कुछ भी कहिए, लेकिन वो ना शुक्रे नहीं है, वो अपने विरोधियों का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये तुम किस आधार पे कह रहे हो शेखरू? भाई बंदरू, मणिशंकर जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र लिखकर कहा है, उस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस बार गुजरात के चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर सबसे बड़ा मुद्दा बना। अभी हम उसका इतिहास नहीं बताना चाहते, पर इस सिलसिले में ताजा खबर यह है कि मणिशंकर अय्यर जी ने एक लेख लिखकर मोदी जी का शुक्रिया अदा किया। लेख लंबा है, उसे पूरी तरह तो नहीं सुना सकते, अलबत्ता दो हिस्से आपको जरूर सुनाते। पहला हिस्सा वो है जिसमें अय्यर साहब बतौर कांग्रेसी अपने दिल का दर्द बयान कर रहे हैं, अपने दिल की व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मोदी मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मेरी अपनी पार्टी भी मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। मैं शायद कांग्रेस का अकेला वरिष्ठ नेता हूं जिसे गुजरात में चुनाव प्रचार में नहीं भेजा गया, फिर भी मोदी जी ने मुझ पर ऐसे निशाना लगाया मानो गुजरात के चुनाव की जंग सिर्फ उनकी और मेरे बीच है। मणिशंकर जी आप भी कमाल की बात करते, अरे इतना सब होने के बाद भी आप शिकायत कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको चुनाव प्रचार के लिए नहीं भेजा। भाई बिना गुजरात गए आपने इतना बड़ा तहलका मचा दिया,
अगर आपको भेज दिया होता तो पता नहीं क्या क्या करते और क्या क्या वहां बोलते। अब आप मणिशंकर जी के लेख का दूसरा छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। मैं भूला बिसरा नेता ही रहता अगर नरेंद्र भाई मोदी ने मेरा नाम गुजरात के प्रचार में नहीं लिया होता। उन्होंने मुझे इतनी पब्लिसिटी दी है जितना मैं अपने 3 जन्मों में भी नहीं जुटा पाता। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। वाह यार जी वाह, आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट गजब का है। मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद मोदी जी आपका शुक्रिया भी जरूर अदा करेंगे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।